अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चपली कबाब, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ज़्यादा चटपटा होता है। तो व्यूअर्स, आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर नीचे बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुँच जाए, वो भी फ्री में। तो चले देख लेते हैं व्यूअर्स, कबाब बनाने में यानी चपली कबाब बनाने में क्या क्या सामान लगते हैं। तो ये सारे सामान हैं चपली कबाब में डालने वाले। तो ये हमारे पास है एक बड़ा चम्मच कूटा हुआ लाल मिर्च, इसे हम लाल मिर्चा लेकर अच्छे से कूट लिए हैं। और ये खड़ा ज़ीरा है एक चम्मच, आधा चम्मच है ज़ीरा पाउडर, और एक चम्मच हम ले रहे हैं नमक। नमक आपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ कबाब में हम डाल रहे हैं, चपली कबाब में टमाटर भी जाते हैं, तो यहाँ पे हम एक छोटी साइज़ के टमाटर लेकर काट लिए हैं, और तीन बड़ी साइज़ की हरी मिर्ची है जिसे हम बारीक कट कर लिए हैं, और एक एक चम्मच है बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और धनिया कटी हुई है हमारे पास, और यहाँ पर पुदीना भी पत्ते हैं, और ये हमारे पास है 2 टेबल स्पून भर कर है चने का बेसन, और यहाँ पे हम ले लिए हैं 2 टेबल स्पून है और अरोट का पाउडर, और यहाँ पे हमारे पास है 300 ग्राम मटन कीमा, आप चिकन भी ले सकते हैं, और ये हमारे पास है एक छोटी साइज़ की प्याज जिसे हम एकदम बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। तो कीमे में हम एक एक करके सारे मसाले को डालेंगे। तो पहले हम कीमे को एक बाउल में डाल देते हैं। तो व्यूअर्स, ये बाउल में हम डाल देंगे कीमा। तो यहाँ पर हमारे पास 300 ग्राम कीमा है जिसे हम एकदम पतला सा एकदम बारीक सा कूट लिए हैं। एकदम हमें यहाँ पे एकदम बारीक कूटा हुआ कीमा चाहिए, इसमें ज़रा भी बड़े से कीमे रहेंगे तो फिर हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज जो कि एकदम बारीक चॉप करके, उसके बाद फिर इसमें हम डालेंगे नमक, अब इसमें जाएगा कूटा हुआ लाल मिर्चा। लाल मिर्चा को पहले क्या करें, आप थोड़ा सा तवा पे भून लें, उसके बाद फिर उसमें उसको मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लें, दरदरा सा पीस लें, वो हो जाएगा तैयार। अगर ऐसे हम पीसेंगे तो जल्दी पीसता नहीं है। तो व्यूअर्स, ये पहले कबाब, सारे कबाब में टमाटर नहीं जाते हैं, लेकिन चपली कबाब में टमाटर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा बनता है और ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है। तो इसमें लाल मिर्ची का पाउडर भी जाते हैं, हरी मिर्ची भी कूट कर हम इसमें डालते हैं, तो इससे हमारे कबाब बहुत स्पाइसी और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। इसमें धनिया के पत्ते ज़्यादा जाते हैं, बाकी और इसमें हल्दी या सूखा मसाला बिल्कुल नहीं जाता है। अब इसमें हम चने के बेसन डाल देते हैं, अरारोट का पाउडर डाल देते हैं, उसके बाद इसे हाथों से अच्छे से हम मिला लेंगे। तीवर्स मिलाने के बाद अगर आपको ज़रा भी गीला लगे तो आप इसमें चने के बेसन या अरारोट के पाउडर को डालकर अच्छे से दोबारा मिला सकते हैं, और आप चाहें तो इसमें एक अंडा भी डाल सकते हैं, उससे बहुत सॉफ्ट हमारे कबाब बनेंगे। लेकिन यहाँ पे हम अंडा नहीं डाल रहे हैं। तो देख सकते हैं हमारा डो बनकर रेडी हो चुका है और एकदम ज़बरदस्त बना है। ऐसे हाथों में लेकर आप देख सकते हैं, अगर इसमें आप कबाब बना पा रहे हैं तो फिर आपको इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो हाथों में पहले हाथ हम धो लेंगे, उसके बाद फिर हाथ में हम तेल लगा लेंगे। अब हाथ में हम थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, क्योंकि चपली कबाब एकदम चिकने नहीं रहते हैं, लेकिन क्या है कि हम कीमे का यानी चपली कबाब बना रहे हैं तो हाथों में चिपकेंगे, इसीलिए फिर इसे हम, और चपली कबाब क्या है बहुत बड़े बड़े बनते हैं, आपके पास आपकी हथेली जितनी बड़ी बड़ी है उतने बड़े कबाब बनते हैं, ताकि हमारे, क्योंकि जब ये कच्चे कीमे के कबाब है ना, जब इसको हम फ्राई करेंगे तो ये छोटे हो जाते हैं, इसलिए कबाब अच्छे से आप पूरे हथेली में फैला फैला कर इसे बड़ा सा बना लें। तो यहाँ पे हम तेल लग दिए हैं, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, उसके बाद इसे हम गैस का फ्लेम लो कर दिए हैं। हमें यहाँ पे लो फ्लेम पर कबाब को फ्राई करना है, क्योंकि कीमे हमारे यहाँ पे कच्चे हैं, इसलिए हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। लो फ्लेम पर हम एक साइड 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे, ऐसे हम छोड़ देंगे, इसे हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक इसे हम छोड़ देते हैं, ये अच्छे से जब फ्राई हो जाएंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम पलट देंगे। तो व्यूअर्स देख सकते हैं फ्राई होने के बाद ये कितने छोटे हो चुके हैं, और ये 4 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम वापस से पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं कलर इसका अच्छे से हो गया है, और कीमा भी हमारा एक साइड का अच्छे से पक गया है। अब दूसरी साइड भी हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे। बीच बीच में आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, वरना क्या है कि ये जल जाएंगे अगर कभी गैस का फ्लेम हाई या रहे तो। अब इसे अच्छे से हम सेट कर देंगे, उसके बाद फिर इसे 4 मिनट के बाद फिर आपको दिखाते हैं हमारे कबाब कैसे बने हैं। तो देख सकते हैं व्यूअर्स, 3 कबाब तकरीबन बनने में 7 मिनट लगे हैं, और हमारे कबाब एकदम ज़बरदस्त बन चुके हैं। आप इसके कलर देख सकते हैं कितने गोल्डन और कितने अच्छे से हमारे कीमे, और एकदम कुरकुरे से ये इस
बहुत अच्छे से कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। अभी से हम निकाल लेते हैं और बाकी के बचे हुए कबाब को भी हम फ्राई कर लेते हैं। तो एक एक करके हम सारे कबाब को इसमें डाल देते हैं। उसके बाद जब हमारे सारे कबाब बनकर रेडी हो जाएंगे उसके बाद फिर इसे हम सर्व कर लेंगे। माशाल्लाह, देख सकते हैं व्यूअर्स, हमारा चपली कबाब बनकर रेडी हो चुका है। हम इसमें टोमेटो केचप या हरी चटनी के साथ आप इसे सर्व करें, ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसका लुक देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और कितना यमी लग रहा है। तो आप भी इस बकरीद में ज़रूर बनाकर एंजॉय करें हमारी रेसिपी को। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो अपने फ्रेंड और फैमिली को शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।